पर्टिकुलर टोटल कॉस्ट, कॉस्ट पर यूनिट। अब देखो डायरेक्ट मटेरियल दिया है, फिर अदर मटेरियल्स, फिर क्या दिया है, देखो डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वर्क ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सब दिया। आगे देखो स्क्रैप वैल्यू ऑफ द स्पेशल इक्विपमेंट आफ्टर यूटिलाइजेशन इन मटेरियल इज निल। ये भी देखो डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया है। चलो पर्टिकुलर करो, अमाउंट करके स्टार्ट करो उसमें। क्वेश्चन दिख रहा है ना सबको स्क्रीन पे? किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नो मैम, ठीक है चलो पर्टिकुलर करके बनाओ। ठीक, उसके बाद क्या करो, एक टोटल कॉस्ट का बनाओ और एक कॉस्ट पर यूनिट का बनाओ। हमेशा याद रखना कॉस्ट पर यूनिट बनाना ही है कॉस्ट शीट में। तो देखो डायरेक्ट मटेरियल दिया है, तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, डायरेक्ट मटेरियल। देखो कितने के लिए है, ये देखो ये वाली लाइन देखो, निर्मित तैयार कागज, फिनिश्ड पेपर्स मैन्युफैक्चर्ड 400 टन के लिए है। दिख रहा है कहीं पे? तो आउटपुट लिखो यहाँ पे 400 टन। देखो हाईलाइट किया है, ब्लैक पेन से एरो बनाए हैं। माइक म्यूट करो, किसी का माइक ऑन है? ऋतिका बेटा माइक म्यूट करो। दिख रहा है 400 टन? देखो एरो बना रही हूं मैं, है ना? तो टोटल कॉस्ट सबसे पहले हम क्या लेंगे, डायरेक्ट मटेरियल 500 टन का कितना है, 50 रुपए। तो करो 500 टन का एट द रेट 50 कितना हुआ, 25,000। फिर देखो अदर मटेरियल कितना दिया है, 100 टन कितने का, 30 रुपए के हिसाब से। ये हो गया 3,000। तो टोटल करेंगे तो ये आएगा अपना 8,000, तो सॉरी 28,000। अब देखो मटेरियल के बाद डायरेक्ट लेबर भी दिया है, तो इसमें ऐड कर देंगे डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर देखो कितना है, 80 स्किल्ड मैन, 3 रुपीज पर मैन पे लग रहा है फॉर 25 डेज। तो कैलकुलेट करो 25 × 3 करो, सेवेंटी फाइव ट्वेंटी इंटू फाइव एट्टी सेवेंटी इंटू 80। देखो स्किल्ड मैन लिखो, 6,000 मैम, 6,000 हाँ 80 यस मैम, है, सिक्स थाउजेंड 25 डेज काम कर रहे हैं और 3 पर डेज, तो कितना आया 6,000। फिर देखो नीचे क्या लिखा है, ये अनस्किल्ड लेबर, तो स्किल्ड मैन, फिर अनस्किल्ड मैन का लिखो सेम 40 × 25 × 2 रुपीज, ठीक है? तो कितना आएगा, 40 × 2 = 80, 25 × 8 हो जाएगा अपना 2,000। आ रहा है? टोटल करो कितना हुआ, 40 मैम, वो अनस्किल्ड वाला मैम छूट गया। अनस्किल नहीं हुआ था मैम। ये देखो 40 अनस्किल्ड मैन × 2 × 25, तो सेम वैसे कैलकुलेशन होगा, 40 × 25 × 2 तो कितना आया 2,000। टोटल करो 28 और 6 कितना हुआ, 36, ये हुआ 36। फिर ऐड करो, देखो ये प्रत्यक्ष व्यय डायरेक्ट एक्सपेंसेस दे रहा है,
डायरेक्ट एक्सपेंसेस में देखो स्पेशल इक्विपमेंट्स कितने का है, देखो 3,000 का प्लस स्पेशल डाइज कितने का है 1,000, तो टोटल कितना हुआ देखो 40,000 हुआ टोटल पूरा। देखो डायरेक्ट जुड़ गया, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो ये आ गई अपनी प्राइम कॉस्ट, मूल लागत। आया समझ में? यस मैम। अब देखो आप लोग यहाँ पे ये जो 28,000 है ना, इसको डिवाइड करो 400 कितना आया 70 फिर 70 ठीक, फिर ये 36 को डिवाइड करो मैम 90 आ रहा है इसका। ओके और यहाँ पे आ जाएगा ये 100 हो जाएगा है ना यहाँ तक, ठीक है। आप लोग ये सिंगल सिंगल का निकाल लेना, सबका निकालना ही है एग्जाम में, चलो साथ साथ निकालते चलो। 25,000 को डिवाइड करो 4,000 से, जल्दी जल्दी करो, सॉरी 400 से। 5,000 को डिवाइड करोगे 400 से तो आएगा 7.5, तो ये हो गया 70। फिर सेम 6,000 को डिवाइड करेंगे हम 15 आ रहा है। यस मैम। यस मैम। और मैम 2,000 वाले का 5 आ रहा है। 5 आ रहा है। तो ये टोटल हो गया 90। सेम 3,000 को डिवाइड करोगे 400 से 7.5। हाँ, और 1,000 को डिवाइड करेंगे 2.5। मैम 2.5। ठीक, तो देखो ये पूरा टोटल हो गया अपना 100। ये आ गई अपनी प्राइम कॉस्ट। यहाँ पे देखो क्वेश्चन में देखो क्या क्या निकालने बोला है। प्राइम कॉस्ट देखो हाईलाइट कर रही हूँ ना पिंक से, ये देखो प्राइम कॉस्ट, दिख रहा है प्राइम कॉस्ट। फिर आंसर देखो यहाँ कितना आ रहा है नीचे 40,000 देखो है ना, आ गया ना अपना आंसर। फिर क्या करते हैं अपन प्राइम कॉस्ट के बाद वर्क ओवरहेड्स ऐड करते हैं। देखो वर्क ओवरहेड्स के लिए वेरिएबल दिया है और फिक्स दिया है। ऑन डायरेक्ट वेजेस प्रत्यक्ष श्रम पर निकालने बोल रहा है, डायरेक्ट वेजेस पर। तो देखो डायरेक्ट वेजेस कितना था अपना, ये वाला पोर्शन, ये जो डायरेक्ट लेबर वाला है ना ये था अपना पोर्शन। तो देखो डायरेक्ट वेजेस कितना था 6,000 और 2,000 कितना हुआ यानी 8,000। इस पे कितना परसेंट बोल रहा है वेरिएबल का 100%, तो 8,000 पूरा का पूरा, ठीक है। और स्थाई ये फिक्स्ड कितना बोल रहा है 60%, तो 8,000 का 60%, तो 8,000 का 60% क्या होगा 4,800। तो टोटल करो तो ये हो जाएगा 12,800, तो इसमें ऐड करेंगे तो ये 52,800 हो जाएगा। आ रहा है समझ में? ये वाला पोर्शन देखो, देखो यहाँ लिखा है ऑन डायरेक्ट वेजेस प्रत्यक्ष श्रम पर,
तो लेबर है जिनको वेजेस मिलती है, याद रखना ये देखो, तो वो अपना कितना निकला था 8,000 ना, ये देखो ये वाला पोर्शन ब्लू से देखो हाईलाइट कर रही हूँ, यहां पर भी ब्लू से हाईलाइट कर रही हूँ, याद रखना सेम कलर जो हाईलाइट हो रहा है वो एक ही उसको अमाउंट को मेंशन करेगा, ये देखो आया समझ में। नेक्स्ट मैम, डायरेक्ट लेबर ही डायरेक्ट वेजेस होगा। अब नीचे देखो वर्क ओवरहेड ऐड किया हमने, वर्क ओवरहेड से ऐड करते हैं तो कौन सी कॉस्ट आती है अपनी, वर्क कॉस्ट। अब देखो इसमें कुछ सेल ऑफ स्क्रैप वगैरह दिया है क्या, हाँ ये देखो सेल ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ वेस्ट कितने का दिया है, 800 का, ये देखो सर्कल बना रही हूँ, तो माइनस सेल ऑफ स्क्रैप 800 तो ये आ जाएगा 52,000 और ये हो जाएगा अपना वर्क कॉस्ट या फिर फैक्ट्री कॉस्ट, कारखाना लागत। नेक्स्ट देखो यहां तक किसी को डाउट है तो पूछो जल्दी से, डिवाइड करो 52,000 को 400 से, थर्टी। हाँ अब देखो क्या ऐड करते हैं इसके बाद, वर्क कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट के बाद जनरल ओवरहेड है ना, जिसमें अपन जिसको एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट भी बोलते हैं या फिर ऑफिस कॉस्ट भी बोलते हैं, तो देखो क्या दिया हुआ है, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड मींस ऑफिस कॉस्ट दिया है, कितना दिया है देखो 10% एट, ये देखो 10% किसका, कारखाना लागत पर ऑन वर्क कॉस्ट, ये रही वर्क कॉस्ट कितनी आई है 52,000, इसका कितना परसेंट बोल रहा है 10%, तो 52,000 का 10% ध्यान देना ये वर्क कॉस्ट बोला है, अगर ये वर्क ओवरहेड बोलता समझो, अगर ये वर्क ओवरहेड बोलता या कारखाना परिव्यय है ना, तो किस पे निकालते हम, इस पे निकालते, समझ में आ रहा है, ये देखो ये रेड स्पॉट फॉलो करो, इस पे निकालते हैं, रिपीट करो तो देखो ध्यान से समझो, ये देखो क्वेश्चन में किस पे निकालने बोला है, वर्क कॉस्ट पे, और एक वर्क ओवरहेड भी देता है कभी कभी, तो दोनों चीजें अलग हैं। वर्क कॉस्ट मींस क्या है, फैक्ट्री कॉस्ट जो कितनी आई है अपनी, ये देखो 52,000 सर्कल कर रही हूं मैं, और अगर वर्क ओवरहेड बोलता तो किस पे निकालते अपन, इस पे 8,000 प्लस 4,800 12,800 पे निकालते, तब आ रहे समझ में क्या बोल रही हूँ मैं, yes, ma'am. है ना, एग्जाम yes, में इंस्ट्रक्शन बेटा देखो एग्जाम में ना इंस्ट्रक्शंस को ध्यान देना कि किस पे निकालने बोल रहा है, सपोज जैसे अभी आपको क्वेश्चन पे किस पे निकालने बोल रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, देखो वर्क कॉस्ट पे क्वेश्चन पे देखो, मैं उसको रफ कर रही हूँ, ये देखो ये एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड दिया है 10% पे, किस पे, कारखाना लागत पर ऑन वर्क कॉस्ट, तो वर्क कॉस्ट कितनी निकली है अपनी 52,000 है ना, अगर यही वर्क ओवरहेड देता तो किस पे निकालते 12,800 पे, आ रहा है समझ में, ये देखो वर्क कॉस्ट और ये वर्क ओवरहेड, ये तो 52,000 का 10% हो गया 5200, इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक, तो कितना आया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऐड करो,
57,200. फिर इसके बाद इसमें क्या ऐड करते हैं अपन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, वो कितनी दिया है देखो, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ये देखो कितना दिया है, 15% ऑन वर्क कॉस्ट, फिर से वर्क कॉस्ट पे, यानी ये वाली वर्क कॉस्ट 52,000 पे, तो इस पे निकालो 52,000 पे 15% 7,800 तो टोटल करो 800 टोटल करो कितना आ रहा है 65,000 सबका आ रहा है और ये कितने यूनिट्स बन रहे हैं अपने एट द एंड ये देखो लिखा है ना फिनिश्ड पेपर मैन्युफैक्चर्ड एट द एंड 410 के लिए ही कर रहे हैं अपन तो 65,000 को डिवाइड करो 400 से ये आ गया 162.50 है ना ये हो गई अपनी टोटल कॉस्ट नेक्स्ट देखो क्या दिया है क्वेश्चन में देयर वॉज नो वर्क इन प्रोग्रेस एट द बिगनिंग और एट द एंड ऑफ द मंथ इसका मतलब देखो लाइन का क्या है माह के प्रारंभ व अंत में कोई भी चालू कार्य का शेष नहीं था ये क्यों दिया है पता है आपको ये देखो अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे ये एक वैरायटी है क्वेश्चंस की आप इसको ना वैरायटी वन करके लिखना यहाँ पे देखो हमने जो मटेरियल डाला था वो कितने के लिए डाला था 500 टन के लिए ठीक लेकिन हमारा आउटपुट कितना आ रहा है देखो 400 टन आ रहा है कि नहीं ये देखो 400 टन है ना तो yes, ऐसी चीजों के लिए ये वर्क इन प्रोग्रेस दिया रहता है लेकिन यहाँ पे एक लाइन लिखी थी ना कि देयर वॉज नो वर्क इन प्रोग्रेस एट द बिगिनिंग और एट द एंड ऑफ द मंथ इसलिए हमने वो 500 और 400 का अलग ट्रीटमेंट नहीं किया ऐसा एक क्वेश्चन आएगा मैं आपको उसमें एक्सप्लेन करूंगी चलो टोटल कॉस्ट करो प्रॉफिट ऐड करो प्रॉफिट देखो कितना दिया है क्वेश्चन में 10% ऑन टोटल कॉस्ट तो प्रॉफिट कितना आया है देखो टोटल कॉस्ट आई है अपनी 65,000 उसका 10% प्रॉफिट ऐड करेंगे अपन टोटल कॉस्ट का बोला है तो 6500 तो ये ऐड हो गया ये हो गया 71,500 और इसको डिवाइड करोगे 400 टन से हाँ ये हो गया कॉस्ट पर यूनिट तो देखो क्वेश्चन में क्या क्या निकालने बोला था देखो क्वेश्चन में क्या क्या निकालने बोला है प्राइम कॉस्ट वर्क कॉस्ट टोटल कॉस्ट और सेलिंग प्राइस तो सब आ गया अपना आंसर भी देखो उसमें लिखा था 52,000 65,000 और 40,000 है ना सब आ गया है अपना आंसर यस मैम है ना किसी को डाउट है कहीं पे तो पूछो या किसी को नोट करना है तो करो जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन करें यस मैम है ना यस तो ये देखो क्वेश्चन नंबर 5 आउटपुट कितना दिया है देखो 4,000 यूनिट
लेकिन बेच कितना आ रहा है 3600, यानी सेकेंड वेराइटी है क्वेश्चन की। तो सबसे पहले हम कॉस्ट निकालेंगे 4000 यूनिट्स की, फिर हम क्या करेंगे उसके बाद कॉस्ट निकालेंगे हम 3600 यूनिट की, ठीक। फिर हम उस 3600 का सेलिंग प्राइस निकालेंगे। देखो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, समझ में आते जाएगा। पर्टिकुलर, टोटल कॉस्ट और कॉस्ट पर यूनिट बनाओ। देखो सबसे पहले क्या लेते हैं अपन, रॉ मटेरियल लेते हैं। रॉ मटेरियल कितने का दिया है, 80,000 का। तो लिखो रॉ मटेरियल, कच्ची सामग्री उपयुक्त, कितने का हुआ, 80,000 का। फिर इसमें क्या ऐड करते हैं, डायरेक्ट वेजेस कितना है, देखो डायरेक्ट वेजेस, ये डायरेक्ट वेजेस दिया है 48,000। तो 8,000 प्लस 48,000 होगा 1,28,000। ये आ गई अपनी प्राइम कॉस्ट, है ना, मूल लागत। कितने के लिए, 4000 यूनिट के लिए डिवाइड करोगे तो 32 रुपए आएगा, और यहाँ पे 28 और यहाँ पे आना चाहिए 4, 12, 48, 12। ये हो गया प्राइम कॉस्ट। इसके बाद वर्क ओवरहेड ऐड करेंगे। ये देखो कितना दिया है, मशीन वर्क 8000 घंटे, और एक घंटे का दर कितना दिया है, 4 रुपए। तो मशीन ओवरहेड 8000 आवर्स दिया है, कितने का, 4 रुपए का, यानी हो गया 32,000। और इस 32,000 को डिवाइड करना 4000 यूनिट से, तो आएगा अपना 8 रुपए। तो ये हो गया 40, और इसका टोटल करोगे तो हो जाएगा 1,60,000। तो ये आ गई अपनी वर्क कॉस्ट, कारखाना लागत। नेक्स्ट इसमें देखो, यहां तक हो गया। अब देखो कार्यालय उपरिव्यय, मतलब ऑफिस ओवरहेड कितना दिया, 10% कारखाना परिव्यय पर। तो ऐड करेंगे ऑफिस ओवरहेड, कार्यालय उपरिव्यय, कितना दिया है, वर्क कॉस्ट का 10%, ठीक है। तो 10% ऑफ वर्क कॉस्ट, तो देखो वर्क नहीं, वर्क कॉस्ट नहीं, अच्छा वर्क कॉस्ट दिया है, ऑफिस ओवरहेड है 10% ऑफ वर्क कॉस्ट, सॉरी। तो वर्क कॉस्ट कितना दिया है, 1,60,000। 1,60,000 का 10% कितना हुआ, 16,000। टोटल करेंगे तो आएगा अपना 1,76,000। ये हो जाएगा 4 रुपीज, तो ये हो जाएगा 44 रुपीज के हिसाब से। तो देखो ये ऑफिस ओवरहेड के बाद कितना दिया है, बिक्री उपरिव्यय। देखो अब यहां तक तो टोटल कॉस्ट हुई, यहां तक कहीं डाउट है किसी को, जल्दी पूछो। हाँ नो मैम, अब देखो ये तो कॉस्ट कितने की थी, ये पूरी कॉस्ट कितने की थी अपनी, 4000 यूनिट्स की, है ना। लेकिन देखो अब ये बेच कितने यूनिट रहा है, 3600 यूनिट। तो अब टोटल कॉस्ट के बाद चेंज हो जाएगा, देखो लिखना कॉस्ट ऑफ, टोटल कॉस्ट लिखना ऑफ 3600 यूनिट्स एट रुपीज 44 ईच। ये ना प्रोफॉर्मा यहीं पे क्लोज करना, और यहाँ पे अब अलग से एक लाइन खींच के जस्ट नीचे स्टार्ट करना, जैसे मैं स्टार्ट कर रही हूँ। देखो पर यूनिट निकालने का मतलब क्या होता है, अब देखो एक यूनिट की कॉस्ट कितनी आई है, 44, और ये टोटल कितने का था, 4000। अब बेच कितना रहा है, देखो 3600, तो हम ये जो बिक्री ऊपर ही हुए है वो भी 3600 के ऊपर ही लेंगे, क्योंकि वो सेलिंग सेलिंग से रिलेटेड है। तो 3600 इंटू 44 करो कितना आ रहा है,
1,58,400 और ये तो 44 ही रहेगा, ये हो गई टोटल कॉस्ट। अब इसमें ऐड करो सेलिंग ओवरहेड, ठीक है। सेलिंग ओवरहेड देखो अब कितने का दिया है, 1.5 रुपए प्रति इकाई, तो 1.5 रुपए प्रति इकाई, तो इकाइयां कितनी है 3600 × 1.5, तो देखो यहाँ पे 1.5 रुपए से और 3600 × 1.5 करोगे तो ये हो जाएगा 5400। तो ये आ गया अपना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या क्या बोल सकते हैं इसको, चलो टोटल कर...